Redmi K60, ये जो फ़ोन है नवंबर एंड में या फिर दिसंबर एंडिंग तक हमें मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये फ़ोन जो है हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है पोको ब्रांडिंग के अंदर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी फ़ोन की कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में, एंड में बताऊँगा आपको इस फ़ोन की प्राइस एक्चुअल में क्या हो सकती है। स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन के बिल्ड से। तो यहाँ पे हमें जो है ग्लास पैक देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे बताया जाएगा गोरिल्ला ग्लास विक्टिस आपको यहाँ पे इस बार देखने के लिए मिलेगा। ये जो फ़ोन है IP53 रेटिंग के साथ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको OLED पैनल मिलेगा 6.67 इंचेस का, साथ ही साथ डॉल्बी विजन HDR प्लस सपोर्टेड रहेगा। 1200 nits की इसकी पीक ब्राइटनेस होने वाली है, साथ ही साथ 120 Hz का हायर रिफ्रेश रेट रहेगा। आगे बढ़ के बात कर ली जाए इस फ़ोन के प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि OS चिपसेट और CPU के बारे में। सो यहाँ पे ये जिसका CPU है ऑक्टाकोर CPU होने वाला है, ये सभी पता है। MediaTek Dimensity 8200 के साथ में ये फ़ोन जो है आने वाला है, बेस्ड होगा Android 12 पे और MIUI 13 के साथ में आएगा। आगे बढ़ के बात कर ली जाए इस फ़ोन के मेमोरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलेगी और LPDDR5 वाली रैम देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि जो रूमर्ड है जो 48 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलेगा, मुझे नहीं लगता, हो सकता 64 का मिल जाए। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा मैक्रो। ये जो फ़ोन है 4K रिकॉर्ड करने में केपेबल होगा 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। साथ ही साथ आपको 20 मेगापिक्सल की सिंगल सेल्फी मिलेगी, यानी कि फ्रंट कैमरा जो रहेगा वो 20 मेगापिक्सल का रहने वाला है। स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे आपको डुअल, साथ ही साथ यहाँ पे आपको वाईफाई 6 का भी सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको सारे ही सेंसर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि रेडमी की जो नोट सीरीज अभी लॉन्च हुई उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो शायद से यहाँ पे भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाए। बट एक सबसे बड़ा अपग्रेड जो मुझे लगा इस फ़ोन में वो ये आपको यहाँ पे OLED पैनल देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ 5500 mAh की बैटरी रहेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी है। 67 W का आपको वायर्ड चार्जिंग मिलेगा और 30 W की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। बात कर लीजिए इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो मुझे लगता है कि इस फ़ोन की जो प्राइस है कहीं ना कहीं 30,000 से 35,000 रुपये के आसपास होने वाली है, जब ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने के लिए मिलने वालेगा। और साथ ही साथ ये जो फ़ोन है, मैं डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी पोल में जो है आपको अपडेट कर दूंगा जब इस फ़ोन का लॉन्च आएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस फ़ोन का लॉन्च इवेंट देखना है तो आप डेफिनेटली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद Redmi K60 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।